Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Burhan Khan with another exciting and full of energy episode of BK Live. Aaj Sunday hai, December the 19th. Aaj unusual timing, usually we do it in the night time. Magar ye ke aaj dopahar mein kar rahe hain kyunki zara thoda sa Sunday night hai, mahol bhi aisa bana jaye. Aaj ka program jo hai wo hamara jaisa ke aaj 43rd प्रोग्राम है हमारा कोविड की, ये जो सीरीज हमने शुरू की थी जैसे कोविड हिट हुआ है दुनिया में, तो ये हमारा आज 43rd प्रोग्राम है. एंड टुडेज प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट. इसमें क्योंकि आज हम आर्ट पे बात करेंगे, हम म्यूजिक पे बात करेंगे और पाकिस्तान में जो नई चेंजेस आ रही हैं या आनी चाहिए थी जब तक, वो उसके बारे में बात करेंगे. हमारे जो मेहमान हैं खास तौर पे लाहौर से, कराची से जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूं या उनको वेलकम करूं. तो अपनी मैंने मदद के लिए और इस प्रोग्राम के लिए तो कैलगरी से सबसे अच्छी आवाज और कनाडा की सबसे अच्छी आवाज जो कि हमारे यहाँ पे ब्रॉडकास्टर हैं, पाकिस्तान में भी FM 100 से कराची से प्रोग्राम करते रहे, फिर इंग्लैंड में करते रहे और अब यहाँ पर ही इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इज एन MBA इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस. ही रन्स अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस हियर इन कैलगरी अलोंग विद हिज पैशन फॉर ब्रॉडकास्टिंग रेडियो सुर संगीत एंड अ वेरी पॉपुलर मैगजीन एक्सप्रेस मीडिया जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसमें इंटरव्यू किए. तो मैं विदाउट फर्दर अडू आई वुड वेलकम वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, माय यंगर ब्रदर मिस्टर शान अली टू कम अप ऑन द स्टेज एंड इंट्रोड्यूस आवर लस्ट्रियस गेस्ट. अस्सलाम वालेकुम शान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम खान साहब, आज का शो तो वैसे इट्स ऑल अबाउट द गेस्ट्स, ये इट्स लेस अबाउट अस, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द काइंड वर्ड्स. थैंक यू वेरी मच शान, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर, आई विल गो बैक स्टेज एंड आप जाने. और माशाल्लाह आपके बेहतरीन आज तक कनाडा में, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि इतना अच्छा शो नहीं हुआ होगा. शान बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. आई विल गो बैक स्टेज एंड वॉच यू एंड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू. थैंक यू. थैंक यू खान साहब एंड गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जहाँ जहाँ भी आवाज आ रही है दुनिया में, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अगर आपने ट्यून इन किया. नहीं किया तो भी आपका शुक्रिया, आप जाहिर है बाद में दे सकेंगे जब ये लाइव ट्रांसमिशन के बाद प्रोग्राम डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएगा. आज का शो कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, एक मियाँ सलाउद्दीन या मियाँ सरली जिनको हम कहते हैं, एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी है पाकिस्तानी कल्चर की और पाकिस्तानी म्यूजिक की, पाकिस्तान की सूफीज़म की, मॉडर्न की, कंटेम्प्रेरी की और ट्रेडिशन की. तो कोई ऐसा तारुफ इनके करवाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट सब इनको जानते हैं. इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर और इनके साथ हमारे साथ हैं शगुफ्ता एजाज साहबा, उनका नाम से भी आप जानते हैं. शगुफ्ता एक्ट्रेस हैं, टेलीविजन किया, फिल्में की, बहुत सारा काम किया. और एक ज़माने में जब एक लाइन मैंने सुनी थी कि ये आंखें जिधर देखती हैं एक रिश्ता कायम कर लेती हैं, तो सबसे पहले मुझे इनकी शक्ल आंखों में आती थी उस जमाने में जब मैं काफ़ी यंग था और पाकिस्तान में था. तो शीज़ अ पर्सनैलिटी जो जिसे कहते हैं कि जहाँ भी होती है उनकी एक अपनी एग्जिस्टेंस होती है, क्योंकि नो एटीट्यूड, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ एंड ईजी टू गेट अलॉन्ग. शगुफ्ता एजाज साहब आपका भी शुक्रिया बहुत टाइम निकालने का और हमारे साथ शामिल होने का. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ज़माना जब था तो UK की कैबिनेट में विंस्टन चर्चिल जो है उसको हेड कर रहे थे. तो कैबिनेट ने कहा पैसों की बड़ी कमी है, जंग चल रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि एजुकेशन पे कट लगाते हैं, उसके अलावा हम आर्ट की इस चीज़ पे कट लगाते हैं, म्यूजिक की इस चीज़ पे कट लगाते हैं, जो लोगों को हेल्प करते हैं मेंटल हेल्थ के लिए आर्ट वगैरह के सिलसिले में, उसको कट लगाते हैं. तो जब पूरी प्रेजेंटेशन हो गई तो विंस्टन चर्चिल साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के और ग्रेट ब्रिटेन के बहुत बड़े लीडर हैं वो हिस्ट्री के, तो उन्होंने सबकी बात सुन के एंड पे ये कहा, देन व्हाट आर वी फाइटिंग फॉर, कि ये जो जंग हम लड़ रहे हैं ये हम फिर लड़ किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए रहे हैं. अगर हम आर्ट के लिए, फ़नून लतीफ़ा के लिए, म्यूज़िक के लिए, मेंटल हेल्थ के जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए पैसा कट कर देंगे, वी हैव नथिंग टू प्रोटेक्ट दैम. तो ये एक लाइन ऐसी है जो आपको बताती है कि कौमों की ज़िंदगी में ये जो आर्ट फ़नून लतीफ़ा है इसकी कितनी अहमियत है और ये कितना ज़रूरी है. मियाँ साहब आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा.
आप अभी ज़ाहिर स्क्रीन पे मेरे साथ आ जाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर. आपकी इतनी डायमेंशंस एंड पर्सनालिटी की कि कहाँ से बंदा शुरू करे और कहाँ पर ख़त्म करें. यूर एन आईकॉन पाकिस्तान का जो ब्रांड है पाकिस्तान में, जो थोड़ी स्ट्रेंथ थोड़ी सॉफ्ट इमेज वाली हमारी चीज़ें हैं. जो करंट सिचुएशन इस वक्त है पाकिस्तान की, बदकिस्मती से जो रिसेंटली वाक़यात हुए हैं, सियालकोट का वाक़या भी और ये सारी चीज़ें, आपको कभी कभी लगता है दैट यू हैव बीन अ लोन वॉरियर टू फाइट दिस फाइट टू हैव दिस सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तानी नेशन को आर्ट और फनून लतीफ़ा की तरफ इंगेज करने में? देखें ये तो ऑफ कोर्स यू नो दैट आई मीन आई एम 70 इयर्स ओल्ड नाउ और बड़ी तब्दीलियां हमने देखी पाकिस्तान में पाकिस्तान बनने के बाद. और अब हम बिल्कुल ही एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहां ये जो एक मजहबी सख्ती आप कह सकते हैं ये अपने अरूज पे है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया में है. हमारे जो नेबर्स हैं उनके यहाँ भी ये आपको चीज़ बिल्कुल देखने को मिलती है. लेकिन मे बी कि वहाँ अब कोई ऐसी सख्ती या कल्चर पे या हेरिटेज पे या म्यूज़िक पे नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ डेफिनेटली ये ओवर द इयर्स ये चीज़ जो है ये बढ़ती चली जा रही है. और इसके लिए इसको रोकने के लिए ये बेहतरीन तरीका तो ये है कि इसको और लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जाए और ये हो भी रहा है. और मैं समझता हूँ कि जैसे अब सारी दुनिया के हालात हैं कोविड के बाद, जिस तरह दुनिया एक बदल के रह गई है और 2 साल से तो हमें पता ही नहीं चला. हम अगर चाहते भी कुछ करना तो मेरा मतलब इतना मुश्किल था, मैं अपना प्रोग्राम 2 साल नहीं कर सका ऑलमोस्ट. और अब 2 साल के बाद आके मैंने दोबारा रिवाइव किया है अपना प्रोग्राम, तो इसी तरह है. हमारी बदकिस्मती आपने सही कहा, पर ये कि पिछले कोई 30 साल से जो हमारी सूरत हाल ज्यादा खराब ये हुई है. अब आप ज़ाहिर है मुझसे बहुत जानते हैं और मैं सिर्फ सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो लिसनर्स हैं उनको हम आपसे वर्ड्स ऑफ विजडम निकाल सकें. ज़ाहिर है एक पॉपुलेशन का एक पूरा टिकिंग बॉम्ब है जिस पे पाकिस्तान बैठा है. हम 11वें 12वें नंबर पे थे 1980 में, इस वक्त हम 5वें नंबर पे हैं दुनिया में और अगले 15 साल में हम शायद दुनिया के थर्ड नंबर पे हो जाएंगे इंडिया और चाइना के बाद. हम अमेरिका और शायद इंडोनेशिया को भी क्रॉस कर देंगे, इस वक्त हम 22-23 करोड़. एक तो ये चीज़ है, पर ये कि वो जो इतनी बड़ी यूथ है यंग जनरेशन है, जब उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है सेहतमंद एक हेल्दी एंटरटेनमेंट की, म्यूज़िक हो आर्ट हो फनून लतीफ़ा हो स्टेज हो बुक्स हो फेस्टिवल्स हो, जब उनके लिए नहीं है तो होता फिर ये है कि उलमा को छोड़ के ज़ाहिर है जो एक दिहाड़ी लगाने वाला मौलवी है वो फिर उसको ऐसा ब्रेन वॉश करता है और बदकिस्मती से वो बच्चे ज़ाहिर है उनमें वो हेट और इंटॉलरेंस और वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं और उसका नुकसान को पाकिस्तानी नेशन को पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है और किसी को तो बाद में होना है. आप इमरान खान साहब के साथ भी ज़ाहिर है आपका है और सारे लोगों के साथ जो पिछली गवर्नमेंट्स में भी रहे हैं, आपको सीरियसली लगता है कि कहीं ना कहीं बैक स्टेज ये बात होती है कि इस पर काम होने की ज़रूरत है और दे डोंट रियलाइज कि यार ये कोई नहीं, हर वक्त ये बात होती है, बार बार ये बात होती है और कहने को तो हर शख्स यही बात कर रहा होता है. लेकिन जिस तरीके से वैसे पाकिस्तान के इमेज को भी मस्क किया गया है और देखें कि ये दुनिया भर में हर किस्म के वाकयात होते हैं, रेप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, बाकी वेस्ट में शायद इससे भी ज्यादा होता हो. ठीक है. और बाकी भी जो 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 मजहबी जो सख्ती है वो वहाँ भी है, ये नहीं है कि वहाँ नहीं है, अब हर जगह है. लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो एक दौर ज़ियाउल हक का आया उसने हमें बहुत पीछे धकेल दिया और
सॉरी एक्सक्यूज मी, एक बच गया मैं थोड़ा सा। नो नो, एंड मैं बताता चलूं कि तो पाकिस्तान मैं ये कह रहा था कि सुबह का डेढ़ बज रहा है, ये जो दौर आया ये पाकिस्तान के लिए आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत ही नुकसानदेह ये दौर था, और उसके बाद ये सारी जो जो सोच है ये पैदा हुई, और ख़ास तौर पे वो जो यू नो ये सारा ये क्लैशनिकोव कल्चर आया, और ये यू नो ये सब चीज़ें ये हुई। ये बिल्कुल अपना उससे पहले इस तरह नहीं था, इट वॉज़न्ट लाइक दिस एट ऑल। और हम अपने बचपन में तो देखते थे और भी हालात जो थे वो यू नो दे वर वेरी डिफरेंट एंड पीपल वर यू नो। अब मतलब कि अब आप नौजवानों की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि अपने बच्चों को, इनका हाथ पकड़ने वाला ही कोई नहीं है, कोई किसी ने ये परवाह नहीं की कि हम इनको क्या सिखा रहे हैं, हमारा सिलेबस क्या है, क्या कोई इसके ऊपर कोई सोच विचार कोई हुई, कुछ नहीं। सो वी हैव यू नो वी हम बहुत इस लिहाज से पीछे रह गए हम। और अब मसलन मैं महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं किताबें पढ़ते ही नहीं, बाकी सारी दुनिया में ये नहीं है कि लोग सिर्फ लोग टीवी देखते हैं या फोन के ऊपर ही गुफ्तगु करते हैं, या जिस तरह हम सबको एक आदत पड़ गई है अपने अपने मोबाइल्स के अंदर हम एक अपनी दुनिया बना के बैठे हुए हैं, वो सब भी ठीक है, लेकिन हमें हमने काफी सफर किया है। और हमने एक चीज जो हमने नहीं की पाकिस्तान में वो ये है कि हमने नेशन बिल्डिंग नहीं की, और नेशन बिल्डिंग जो है वो आई थिंक वो जो जो कौम, क्योंकि हम एक पाकिस्तान जाहिरी बात है कि एक नजरियाती मुल्क है, ये एक नजरिए पे कायम हुआ, इसकी एक आइडियोलॉजी है जिसको हम नजरिया पाकिस्तान के नाम से भी हम इसको कहते हैं कि दिस इज द आइडियोलॉजिकल स्टेट। तो वो आज जो हमारी जो शनाख्त थी वो ही ऑलमोस्ट हमारे यंग जनरेशन ने या हमारे बच्चों में ये वो नहीं डालेगी। तो एक बेरहमी का एक समाज जो है वो पैदा हुआ। हालांकि ये बात भी नहीं है, ऑन द सेम टाइम हम अगर ये कहें कि पाकिस्तान में जो जो शोबिज़ की इंडस्ट्री है या जो म्यूजिक की इंडस्ट्री है या फिल्म, तो ऑब्वियसली हम बहुत उसमें हमने सफ़र किया है, बहुत पीछे रह गए। और फिर कोविड के आने के बाद तो और भी कुछ थोड़ा सा एक पिकअप किया था, एक वक्त आया था कि यू नो थोड़ा सा बूस्ट मिला था, उसके बाद फिर वाइनस होपिंग, लेकिन अब फिर एक और वेरिएंट आ गया कोविड का, तो आई डोंट नो कि उसका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि हमारे बहुत से सिनेमाज एकदम खुलने शुरू हुए थे, फिर वो एकदम उस पर एक स्टॉप लग गया और बैन लग गया। और जो बड़े बड़े होते हैं, मतलब हमारे जो कॉलेजेस हैं, मैं देखता रहता हूँ, अगर आप भी सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि बहुत सारे हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ बकायदा कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। और लेकिन यू नो जिस लेवल का या जिस तरीके का जितना टैलेंट है इस मुल्क के अंदर, उसको एक्सप्लॉयट नहीं किसी ने किया, उस टैलेंट को हम उसका हाथ पकड़ के हम किसी जानिब नहीं उसको लेके गए, तो ये डेफिनेटली एक अनफॉर्चुनेट है। मेरे साहब आपकी इजाजत से मैं मोहतरम श्री गुप्ता इजाज साहब को भी गुफ्तगु में शामिल करना चाहता हूं। जी जरूर जरूर। श्री गुप्ता इजाज साहब जाहिर है डायरेक्ट शोबिज़ का हिस्सा है, टेलीविजन पर्सनैलिटी है, काम कर रही हैं फिल्म में, ड्रामों में, और ज़ाहिर एंगेज हैं जो एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में शोबिज़ की हैं और काफ़ी अरसे से हैं। श्री गुप्ता इजाज साहब आप मुझे सुन पा रही हैं? जी उनको मेरी आवाज़ अभी नहीं जा रही प्रोग्राम। अच्छा ब्यूटी ये है, ये जो हम इस तरह के प्रोग्राम ऑनलाइन कर रहे होते हैं, वो एक ज़माने में आपको पता है PTV के प्रोग्राम होते थे कि आप नाक पे ऐसे नहीं कर सकते होते थे, इतना डिसिप्लिन और इतना फॉर्मेलिटी होती थी, पर इसका ये कि हम बहुत सारी कैजुअल चीजें भी कर जाते हैं। श्री गुप्ता इजाज साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई थी आपकी पिक्चर। आप जाहिर है टेलीविजन के साथ एक लंबे अरसे से हैं और आपने पूरा एक इरा देखा है, क्लासिकल ड्रामे जो जांग लूस और फिर उसके बाद आपका एक आंच तो खैर क्या आइकॉनिक ड्रामा था, आपने देखा है कि पाकिस्तानी शोबिज जो है वो एक डायरेक्शन लेता है, फिर एक कमर्शियलिज्म की तरफ चला जाता है,
फिर इस सारे के बीच में जाहिर है जब आप राइटर्स के साथ डायरेक्टर्स के साथ आपकी कन्वर्सेशन होती होगी अदर देन डायलॉग्स एंड सीन्स, कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि मैसेजिंग पे ध्यान होता है हमारे डायरेक्टर्स का और टीम का कि इससे मैसेज सोसाइटी को क्या जाएगा, सॉफ्ट इमेज की तरफ जाएगा, सख्ती की तरफ जाएगा, नौजवान इस ड्रामे को देख के कैसे एक्ट करेगा, मैसेजिंग वगैरह कितनी चेंज हुई है पिछले इस पूरे अरसे में? शिवता जा साहब आपको आवाज मेरा ख्याल बीच में गायब हो गई थी। जी उनको मेरी आवाज somehow नहीं जा रही, हम लाइव चूंकि प्रोग्राम कर रहे हैं और पर इट्स सॉरी दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर सोशल मीडिया। मैं वापस आपकी तरफ आता हूं, बल्कि मैं अपनी टीम से कहूंगा अगर वो जब भी उनके साथ कनेक्शन ठीक हो तो अगर स्क्रीन पे उन्हें ले आए तो मुझे पता चल जाएगा। मियां साहब से हम बात कर रहे थे टैलेंट जो आपने सर जिक्र किया। अच्छा अनडाउटेडली एक होता है क्लीशे कि हमारा मुल्क बहुत ग्रेट या कौम बहुत रेजिलिएंट या हमारे नौजवान बहुत टैलेंटेड, बट अनडाउटेडली दूसरे लोग भी कहते हैं कि बड़ी रेजिलिएंट काम है, बहुत ही कमाल का टैलेंट है, रॉ ऑर्गेनिक टैलेंट आता है सिंगिंग में भी और लिखने में भी और डिफरेंट चीज़ों में। पर ये जो ब्रांडिंग है इसकी जाहिर करनी, वो इतनी बड़ी आबादी में बहुत चंद लोग निकल के आ पाते हैं और उनमें से भी आपको बहुत बड़ा आपको क्रेडिट जाता है, बहुत बड़े नामों को आपने प्रमोट किया है और इस वक्त बहुत ही साउथ एशिया के या साउथ एशियन दुनिया में जहाँ जहाँ बसते हैं उनमें एक बड़े नाम है। क्या किया जा सकता है कि हम ये जो कराची से लेके पूरा खैबर तक यूथ को इंगेज कर सकें और जो उनका टैलेंट है वो सामने आए? और आज तो उस टैलेंट की चूंकि कोई बाउंड्री भी नहीं है तो मटेरियल बेनिफिट भी उनको बहुत होता है, दे मेक गुड लिविंग, कंट्री के लिए बेटर होता है, एंड देन दे एज ए रोल मॉडल दूसरे यंगस्टर्स को वो एक तरह से इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन के लिए ये लोग हमें जरूरी है। क्या किया जा सकता है मियां साहब? मियां साहब आपकी आवाज म्यूट हो गई है सर, आपकी आवाज म्यूट हो गई। जी तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो हालात के मुताबिक अब मैं क्या कह सकता हूँ कि यू नो एक टैलेंट भी है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कल्चरल भी है हमारी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात माशरे में यह है कि माशरे में सख्ती ही तब पैदा होती है कि जब माशरे में इंसाफ ना हो, सबसे पहली बात यह है। और हम अनफॉर्चुनेटली कानून को कुछ की कानून की बालादस्ती नहीं है, और जब तक कानून की बालादस्ती रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और इंसाफ नहीं होगा तो आपका माशरा जो है वो तो बिगड़ता ही चला जाएगा। तो ये उसके साथ साथ ही आप जितना मर्जी टैलेंट आप प्रोड्यूस कर लें या आप कुछ भी कर लें, तो जब ये फिर ऊपर से ये है कि ख़ास तौर पे कि जो ये इस तरह की जो यू नो जो जो आवाज़ें उठती हैं या जो एक सोच है कि जी आप अब ये सोचें आपके मैं मतलब कि मेरी एक यूट्यूब के चैनल पे एक नात मैंने राहत के साथ एक बहुत सी एल्बम्स की हैं कवाली की, उनमें से में बहुत सारी जो हैं उसमें नात भी हैं उसमें, तो एक नात के ऊपर किसी ने कमेंट किया कि जी जो भी अब कवाली के ऊपर जो कि ट्रेडिशनली अगर देखें तो हमारे मुसलमानों में एक हम ये कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट की अगर कोई ऐसी म्यूजिक है जो प्योरली मुसलमानों की तो कवाली डेफिनेटली सूफी म्यूजिक में जो है कवाली का नाम सबसे सबसे बड़ा है। तो अगर उस पर कोई ये लिख सकता है कमेंट एक मुसलमान दे सकता है और वो कहे कि ये तो जी गैर इस्लामी है, तो फिर मुझे बताएं कि आप फिर इस्लामी क्या रह गया। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ ये जो जो भी हुकूमत वक्त हो उसको बड़ा सख्ती से निपटना चाहिए। ये लोग जिन्होंने ये सारा सियालकोट का ये जो सिलसिला हुआ और जो हुआ इसको इनको बहुत यू नो दे शुड बी मेड एन एग्जांपल ऑफ रादर। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ये हम देखते हैं कि जो हमारे जो सिस्टम है जुडिशल सिस्टम उसमें भी बहुत से फेलियर्स हैं और बहुत ज़्यादातर जो हैं जो क्रिमिनल्स जो है
वो बच निकलते हैं. तो ये डेफिनेटली एक मैं समझता हूँ कि एक और ये फिर हमने जो मजहबी जमातें हैं या जो मजहबी जुनूनी जो ग्रुप्स हैं उनको हमने खुली छुट्टी दे दी हुई है और उनको कोई वो जिसको कहते हैं ना कि nobody has the guts to take them to task. वो इतने powerful हो गए हैं, अब इतने powerful हो गए हैं कि उनको इतने powerful हो गए हैं, असला उनके पास है. तो वो लोगों को मेरा मतलब लोग डर के मारे भी कोई कोई बात जो ज्यादा नहीं करते. तो मैं समझता हूँ कि तब देखिए इट इज अ चेंजिंग वर्ल्ड. अब जो सऊदी अरेबिया में हो रहा है वो भी इट वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वहाँ भी एक एक यू नो एक जिसको हम कहते हैं कि यू नो मुसलमानों का जो ये पॉइंट है सबसे एक इम्पोर्टेंट हमारा मक्का वहाँ है, मदीना वहाँ है, मुसलमानों की सारी जो बुनियाद है वो वहाँ है. तो वहाँ एक पहले तो एक एक सिस्टम जो था वो राइज रहा और वो जो बादशाह थे हैं जो बादशाह और जो रहे वो उसको अपनी बादशाहत को बचाने के लिए उन्होंने ये एक जबरदस्ती का जो इस्लाम है वो उन्होंने उसको क्रिएट करने की कोशिश की. मैं समझता हूँ कि वो जो कर रहे थे वो भी इस्लाम से बड़ी एक दूर चीज थी और अब वो बिल्कुल ही एक ओवरटर्न जिसको कलाबाजी खा के वो बिल्कुल एक और एक एक्सट्रीम से जी एक एक्सट्रीम दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब कि जिस तरह उन्होंने एक ऐसी हमारी मजहबी सियासी जमात तो नहीं है लेकिन एक जमात है उसको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और फिर खुद ही उसको बैन कर दिया. उसको बैन भी कर दिया. तो अब बाकी इस्लामी रियासतें हैं या ममालिक हैं वो क्या करें. सो बेसिकली द सैड थिंग अबाउट ऑल द मुस्लिम स्टेट्स इज यही है कि जहां जहां बादशाहत है तो वहां तो कभी भी हालात जब तक के बादशाह टू बी वेरी ऑनेस्ट जब तक ये रहेंगे तो वहां उनका फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता. अगर आप उन मुस्लिम ममालिक को देखें जहाँ कोई चाहे एक शैम डेमोक्रेसी भी है लेकिन है जमहूरियत तो दे आर स्टिल बेटर ऑफ. तो एक वी आर गोइंग यू नो थ्रू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग तो शायद मैं मतलब फेज सारी दुनिया की जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वही चेंज हो रही है जो अफगानिस्तान में हुआ फिर उसके बाद. तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पे भी इन सारी चीजों का असर तो जरूर हुआ एंड वी हैड टू गो थ्रू दिस टेरिबल टाइम. हमारे 50-60 हज़ार लोग जो थे पिछले कई चंद सालों में यू नो वो कत्ल हुए या वो मारे गए, हमारे बच्चों पे अटैक्स हुए, हमारी मस्जिदों पे अटैक हुए. सो एक उस एक जो एक सारे का सारा जो एक माहौल था तो वो जाहिरी बात है कि हमने खुद देखा अपनी आंखों के सामने कि किस तरह रोज बरोज हर चीज जो थी वो यू नो वो बदलती गई जी. तो बस आई थिंक शगुफ्ता साहब अभी वापस मैं बिल्कुल मैं जी उनका कनेक्शन ठीक नहीं हो रहा और उसकी वजह से हमें थोड़ी सी ट्रबल उनके साथ आ रही है. आप शगुफ्ता साहब मुझे सुन पा रही हैं अभी कि कोई कनेक्शन ऐसा है, वीक सिग्नल्स हैं, ये क्या है, लेकिन फ्रीज हो जाती है पिक्चर उनकी एंड आई थिंक वी हैविंग द सेम इशू अगेन. शगुफ्ता साहब आपको मेरी एटलीस्ट ऑडियो आ रही है, आवाज आ रही है आपको? नो इट्स ब्रेकिंग अप. या इट्स ब्रेकिंग अप. सॉरी आपको हम शामिल नहीं कर पा रहे स्ट्रगल के बावजूद, पर आई होप कि ये शायद ठीक हो जाए थोड़ी देर तक तो हम आपसे बात कर पाए. मियां साहब आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ. सर ये जो बैलेंस्ड जो एक जाहिर वे है एज ए नेशन का या इंडिविजुअल का जो मॉडरेशन है जो एक एक दरमियाना रास्ता है वही आपके लिए, ना ये एक्सट्रीम ठीक है आपके लिए ना कोई दूसरी एक्सट्रीम, लेकिन आर्ट फनून लतीफ़ा का और ये कोई इस्टेब्लिश चीज़ है. अब ये वो जिसे कहते हैं खेल तमाशा नहीं रहा, ये दुनिया में किसी ज़माने में खासतौर पर हमारी सोसाइटी में कहा जाता था. अब ये इस्टेब्लिश फैक्ट है कि आर्ट कनेक्ट्स
एन एब्सेंस ऑफ आर्ट जो है वो बेसिकली डिस्कनेक्ट करती है आपको. आप मुआशरे में अगर आर्ट है, फनून लतीफ़ा है, म्यूज़िक है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कि वो एंटरटेन हो सकें, तो सोसाइटी में ज़ाहिर है एक लव, पीस, रिस्पेक्ट, हेल्थ एंड वेल्थ आपको नज़र आती है. और अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर आपको ज़ाहिर है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो या स्ट्रीट वायलेंस हो या जेलसी हो, एडिक्शन हो या मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो आते हैं. और ये जो वाक़यात जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये बेसिकली खास साहब मेरी हम डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए मियाँ साहब से? जी मियाँ साहब को भी इंटरनेट का इशू आ रहा है कोई आजकल, आपको पता है ना कि मुझे जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है वो ये बता रहे हैं कि OIC की वजह से देर इज अ वेरी लिमिटेड ब्रॉडबैंड. तो मियाँ साहब का भी वो मसला है, तो अब आप और मैं ही रह गए हैं अब इसमें थोड़ी सी बात. ठीक है, मीनवाइल क्योंकि वो OIC की मीटिंग हो रही तो अभी हमें पता चला कि ब्रॉडबैंड जो है वो बड़े कम यानी कि वो रिलीज कर रहे हैं. आपको पता ही है सिक्योरिटी. वो हो गई क्या कहते हैं वो उनका भी मसला है क्योंकि वो उसकी वजह से. शान बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें हो रही है माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा आपने ये टॉपिक चूज किया आर्ट सोसाइटी के क्या, और मियाँ साहब ने जैसे कि बताया कि क्या क्या हमारे नकायस हैं, और इंशाल्लाह ताला जब OIC खत्म हो जाएगी तो फिर हम इनको तकलीफ देंगे. और आपने जैसे इसको कंडक्ट किया है बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये अब वो बिल्कुल ही यानी कि वो खत्म हो गया, इंटरनेट है ही नहीं. इवन मैं अपने स्टाफ से भी लैंडलाइन पे बात कर रहा हूँ. अच्छा अच्छा, तो शान ये बड़ा एक बोल्ड स्टेटमेंट मियाँ साहब की तरफ से और आपकी तरफ से. और हमारी तो कोशिश यही है जब हम ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं और इसमें हम शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा तो जो है पाकिस्तान के साथ हमारी जो वाबस्तगी है या हमारा जो मोहब्बत है वो तो कम नहीं हो सकती. मगर जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जैसा कि सियालकोट का वाकया है या दूसरे वाकयात हैं, तो उससे फिर बड़ी शर्मिंदगी भी होती है और दुख भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल के किसी गोशे में ये उम्मीद ज़रूर रहती है कि हम एक ना एक दिन पाकिस्तान जाकर रहेंगे और उसकी जो चीज़ें हैं वो इंजॉय करते हैं. कि जैसे मैं कई दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि ख्वाब अब भी देखते हैं, 36 साल हो गए मुझे कैनेडा में मगर मैं होता पाकिस्तान में ही. तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में, फिर हम इजाज़त चाहेंगे अपने देखने वालों से. वो ज़ाहिर है हम अपनी टेक्निकल ये जो लाइव सोशल मीडिया की चीज़ें हैं टेक्निकल इश्यूज इसमें आ जाते हैं, डेफिनेटली हम माज़ुर ख्वाह हैं आपसे. नहीं ये सर हमारा जो नॉस्टैल्जिया है वो तो ज़ाहिर है, वो तो जी रात दिन आप खाना खा रहे होते हैं तो याद आती है. और ये आई थिंक ह्यूमन थिंग है, इट्स नॉट जस्ट वी बीइंग पाकिस्तानी. जहाँ भी आप जिस मिट्टी से उठ के आते हैं वो आपके DNA से निकलती नहीं है, वो आपके DNA का हिस्सा रहती है. मैं आपको बताऊँ लाहौर में और जिस भी शहर से आप आप अगर याद करें कि बचपन, और हम कोई बहुत कोई सेंचुरी ओल्ड बातें नहीं कर रहे हैं, हम ज़ाहिर 20 साल 15 साल या 25 साल पहले बातें कर रहे हैं. वो नॉस्टैल्जिया है कि क्या आप गली से गुजर रहे हैं और चंबेली की खुशबू आ रही है जो दरवाजों के साथ गेट्स के साथ लगी होती है. आप जरा सा प्लाजा की तरफ जाते हैं तो पान की खुशबू आती है आपको. बेशक बेशक, या वो टांगा चलता था और उसके व्हील में वो जो टक 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 छांटे से, अच्छा दूर कहीं से कवाली की आवाज या कोई कोई फोक म्यूजिक की आवाज आपको आ रही होती है, गली में कोई कुछ बेच रहा था. अच्छा ये पूरी एक नॉस्टैल्जिक वैली है, इट्स अ होल वर्ल्ड जो आपको वहां पर ले जाता है और हम हमारे सारे अंदर वो एक हमारे DNA के अंदर है वो. आई थिंक यही वजह है कि हम जाहिर है कनाडा की पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेते हैं, सब करते हैं, पर हम जितने लोग फर्स्ट जनरेशन के हैं हमारे अंदर वो हमारे ख्वाबों में और जागते हुए भी हमारी यादों में वो चीजें हैं और वो जाती नहीं which is healthy, which is normal, I think, क्योंकि हम सबसे गुजर के आए हैं और वो रहेंगे जब तक हैं. अगली जनरेशन का तो जाहिर है जो बचपन यहाँ गुजरा है उन्होंने उसी हिसाब से अपनी जिंदगी को याद करना. आप खासा बहरहाल बहुत आप ये एक नॉन कमर्शियल चीज है जो आप कर रहे हैं, इसको बहुत आप टाइम देते हैं, इसके लिए आपने पाकिस्तान में टीम अरेंज की हुई है, यहाँ पर टाइम निकालते हैं और इस सारे जो प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं, और ये कमर्शियली इसमें कोई किसी तरह का ना कोई बेनिफिट है बल्कि कोई कॉस्ट भी पूरी होने का कहीं से चांस नहीं होता, तो ये बड़ा डेडिकेशन है आपका. शगुफ्ता शाह हमारे साथ आ गई हैं, आपको वेलकम करता हूं एक बार फिर. थैंक यू सो मच फाइनली.
आज आज थोड़ी ट्रबल आ रही है। हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि थोड़ी सी आपने बात सुनी थी लेकिन बाद में फिर गायब हो गई आवाज, कि पाकिस्तान में जाहिर अच्छी चीजें भी, बेशुमार अच्छी चीजें हैं जो हम याद भी करते हैं और प्राउड भी हैं हमने, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें लगता है कि वो तरक्की माकूस वाली बात के हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं। मसलन हमारी किसी जमाने में फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी होती थी, ड्रामा बहुत कमाल का बनता था, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली चीजें जो हैं वो मैसेजिंग के बगैर होना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा कमर्शियलिज्म की तरफ चली गई। मुझे लगता है ये कि आपकी पिक्चर फ्रीज हो गई है एंड आई थिंक आई हैव लॉस्ट यू अगेन। खान साहब आप आ जाए साथ सर। इस वक्त पाकिस्तान में सुबह के 2:15 बज रहे हैं और ये दोनों शख्सियात ने टाइम भी निकाला और बेचारे कोशिश करके इंटरनेट की मुश्किल के बावजूद हमारे साथ बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं एंड वी आर नॉट हैविंग एनी सक्सेस। खान साहब बस आज जैसे मैंने अर्ज किया ना कि वो ओआईसी की वजह से काफी ब्रॉडबैंड जो है वो लिमिटेड है, तो इंशाल्लाह कोई नहीं जी, यार जिंदा सोबत बाकी फिर आएंगे इंशाल्लाह ताला। नो और ये चाहे हम अगली बार प्रोग्राम को चाहे हमें रिकॉर्ड करके चलाना पड़े, खास ये बड़ा मैं मैसेजेस देख रहा हूँ ऑफलाइन जो मेरे पास दूसरी तरफ से थोड़े बहुत दोस्तों के आ रहे हैं, ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे गुफ्तगू की जरूरत है। और यहाँ कैलगरी में भी हमारे पास दोस्त हैं, लोग हैं कि जिनको हम इंगेज कर सकते हैं और इस पे और बात करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। थैंक यू शान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये मैं अपने आप को बड़ा लाडला कहता हूँ कैलगरी में कि जब भी मुझे जरूरत पड़ी आप हमारे साथ शामिल हुए। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र और तरक्की दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला जैसे आपने अभी फरमाया कि हमारे पास कैलगरी में से लोग हैं और ये बीके लाइव शुरू करने का मकसद यही था कि सब लोग घरों में बोर हो रहे हैं, बाहर नहीं निकल सकते, तो उसके बाद अब अच्छा वो देखें माशाल्लाह डिटर्मिनेशन देखें गुप्ता जी की कि शी इज की अपॉन कमिंग बैक। आई थिंक आई हैव चेंज्ड माय लोकेशन नाउ, अब कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा आई थिंक मैं अब सवाल नहीं करता, अब आपकी आवाज सुनना चाहते हैं और जाहिर है देखने वाले भी और सारे। आपका एक्सपीरियंस ये जो शोबिज का है और इसमें मुख्तसर बात ये कि इसमें बेहतरी आ रही है कि लोगों को अच्छा मैसेज मिले या कि आपको लगता है कि स्टेटस कोई है? शान ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि क्वांटिटी जो है वो क्वालिटी को इफेक्ट करती है जी। हमारे पास अब सब्जेक्ट्स की बहुत कमी है, अब हमारा फोकस होता है ग्लैमर, अब हमारा फोकस होता है ऐसे सब्जेक्ट्स जो लोग देखना चाहते हैं। यू नो हम अगर अपने घर की मिसाल लें कि अगर अपने बच्चों को हमने ट्रेन करना है तो वी डोंट गिव देम व्हाट दे वांट, you know we want things for them which are good for them, yeah. unko gradually convince karna padta hai us cheez ki taraf. Main ye samajhti hu ki bahut se subjects jo hain wo ek jaise hain, drama acha hota hai, acting achhi hoti hai, production value achhi hoti hai, cast achhi hai, actors hamare paas ek se ek badhke hain, hamare paas writers ki kami hai. PTV ka jo daur tha, agar main ab se 30 saal pehle ki baat karu, because it's been 3 decades that I've been in the industry. तो उस वक्त ये था कि एक ड्रामा बनता था और दूसरे की कहानी उससे कहीं मुख्तलिफ होती थी, उसमें विमेन एम्पावरमेंट भी होती थी, मियाँ बीवी के इश्यूज भी होते थे, बहन भाइयों के मसले भी होते थे, सास ससुर घर इनको बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया जाता था बिकॉज राइटर्स थे, पेपर वर्क बहुत होता था, रिसर्च वर्क बहुत होता था। आजकल बस एक दौड़ लगी हुई है और राइटर्स हमारे पास गिने चुने हैं जो अच्छे हैं। सो व्हाट आई सी कि थिंग्स इन अ वे फाइनेंशियल एस्पेक्ट की अगर बात करें, काम के होने की बात करें तो चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ वर्क की बात करें या हम सब्जेक्ट्स की बात करें या सोशल इश्यूज को एड्रेस करने की बात करें तो वी हैव गॉन फार बैक। उसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें ज़रूरत है ऐसी कहानियों की अगर हम वाकई अपने माशरे में वो तब्दीली लाना चाहते हैं। जैसे मैं जब सड़क पे निकलती हूँ तो मुझे कोई डिसिप्लिन नज़र नहीं आता। अगर कोई ज़रूरत हो ठीक है, चैरिटी पाकिस्तान में बहुत है, लोग आ जाएंगे आपकी मदद के लिए, वो भी एक जज्बा है, लेकिन वी आर नॉट गुड सिटीजन्स बिकॉज वी डोंट हैव दैट सिविक सेंस इन अस। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मस्जिद सामने है, जुम्मे की नमाज होती है, लोग गाड़ियां सामने पार्क करके चले जाते हैं,
एक दफा मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, मुझे गाड़ी बाहर निकालनी थी एंड आई वाज स्टक, आई वाज ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लेट. और गुस्से में फिर मैं उनसे बस इतना ही कह सकी कि मतलब नमाज आपने अपनी ऑलमोस्ट जाया कर दी, आपने किसी को एक तकलीफ दी ना अपनी इबादत में, मुश्किल पैदा कर. ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि आप 10 मिनट लेट चले जाते नमाज पे लेकिन किसी को तकलीफ ना होती आपकी जात से, आपकी वजह से. लोग अभी तक गाड़ियों से कचरा फेंक रहे होते हैं एंड यू नो माय ब्लड स्टार्ट्स बॉइलिंग कि मैं कैसे लोगों में ये चीज लाऊं कि ये हमारा मुल्क हमारा घर है, हम ये नहीं कर सकते. मैं एज अ सिटीजन अपने घर अपने बच्चों की जितने मेरे जानने वाले हैं उन तक तो ये चीजें कन्वे कर सकती हूँ जो मैसेज है जी. लेकिन अदरवाइज हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है कोई भी. मॉर्निंग शोज आप देख लें, मॉर्निंग शोज में जो सब्जेक्ट्स चूज किए जाते हैं वो होते हैं जो लोग देखना चाहते हैं जी. और मैं मेरी एज एन एक्टर ड्यूटी है, मैं जब किसी प्रोड्यूसर के साथ बैठती हूँ और मैं उनसे लिटरली बेग कर रही होती हूँ कि प्लीज देखें, बहन भाई होते हैं, दो भी होते हैं, चार भी होते हैं, पांच भी होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं जी. उन पे एक सीरियस ड्रामा क्यों नहीं बन सकता? कॉमेडी आप बना देते हैं, वो कॉमेडी का मैसेज कोई सीरियस लेता ही नहीं है. उस पे सीरियस ड्रामे बनने चाहिए ताकि लोग जो है उससे कुछ सबक लें, रिलेट करें उससे अपने आप को. Exactly. आज वाज वन प्ले एंड आई थिंक आपने बहुत खूबसूरत बात की और बड़ी ईमानदारी से. हालांकि आप इस शोबिज़ का हिस्सा हैं और जाहिर है कई बार बंदा बात करता हुआ थोड़ा डिप्लोमेटिक होता है, पर आपने बहुत ऑनेस्टली से ये बात की है. जो मैसेजिंग है ना, देखिए बहुत क्लीशे है और मैं अक्सर सुनता हूँ कि पाकिस्तान में राइटर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से कोई बात करे तो कहते हैं जुबान जो ड्रामा है वो जिंदगी से मुतासर है, हम वो दिखा रहे हैं जो मुआशरे में. पर आई थिंक ये क्लीशे है और ये डिसऑनेस्ट बात है क्योंकि अगर ड्रामा जिंदगी से मुतासर है तो जिंदगी ड्रामे से भी मुतासर. Absolutely. ये साबित हुआ है. Exactly. आपके ड्रामे की वजह से जो यूथ है, जो कॉम है, जो नेशन बिल्डिंग का जो थोड़ा बहुत काम था, वो बच्चे उन लोगों को आप हीरो दिखा रहे हैं, बच्चे वो बनना चाहते हैं. तो अगर आप मटेरियलिज्म प्रमोट कर रहे हैं तो जिंदगी मुतासर भी तो हो रही है ड्रामे से. बिल्कुल हुई है, मैं प्रूव कर सकती हूँ. हमारे जो ड्रामे हैं उसमें आज फॉर इंस्टेंस, आज मेरा एक प्ले था, सैकड़ों घर जुड़े हैं उस ड्रामे की वजह से बिकॉज लोग उससे रिलेट कर रहे थे. बीवी ने जब खुला अप्लाई किया हुआ है उसने देखा कि ये औरत भी अपने मियाँ को छोड़ के घर आई है जी. और एक मिडिल क्लास की फैमिली तलाकशुदा या सेपरेटेड बेटी को वापस उसी घर में उन्हीं पेरेंट्स उन्हीं बहन भाइयों के बीच में किस तरह से एक्सेप्ट करती है. मतलब वो तो एक्सेप्टेंस है ही नहीं. तो जब वो एपिसोड चले तो मुझे रिक्शा ड्राइवर, मुझे बिजनेसमैन, मुझे हर हर प्रोफेशन की औरत ने मर्द ने ये कहा. और मैं ये जो काउंटिंग है ये कोई अज्यूम्ड काउंटिंग नहीं है, ये वो काउंटिंग है जितने लोगों ने मुझसे बात की कि हमारे टूटते घर बच गए आपकी उन एपिसोड्स की वजह से. मर्दों ने रियलाइज किया, औरतों ने रियलाइज किया जहां वो गलत थे. जाहिर है मतलब इट गोज बोथ वेज, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती. और ये सिर्फ आप एक ड्रामे की बात कर रहे हैं कि अगर उसमें मैसेजिंग स्ट्रांग थी तो उसका इंपैक्ट देखिए सोसाइटी पे. अच्छा लिखा हुआ था जी, एक पढ़ी लिखी औरत ने लिखा था वो ड्रामा नाहीद आपा को. मैंने इतना कहा उसके बाद कि आप प्लीज कोई प्ले लिखें, आई प्रोड्यूस इट, लेकिन बस उन्होंने फिर छोड़ दिया. प्रोबेबली शी गॉट डिसहार्टेंड विद द प्रोडक्ट्स दैट शी वाज सीइंग अराउंड. मगर हमें इस तरह के राइटर्स की जरूरत है, इस तरह के राइटर्स आएंगे जो ये चीजें लिखेंगे जहाँ ग्लैमर की जरूरत नहीं है. वहाँ ग्लैमर की जरूरत नहीं है. Exactly. अगर आपने बुरा लगना है तो आपने बुरा लगना है. आपको ये नहीं देखना कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, अगर ग्लैमर नहीं होगा तो मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, मैं अनपॉपुलर हो जाऊंगी. तो देन यू आर नॉट एन एक्टर. मैं रिसेंटली एक शुक्ता जी आर्टिकल पढ़ रहा था और साउथ एशिया जाहिर है ये पूरा जो हमारा शोबिज़ सीन है इंडिया में भी, बॉलीवुड को जाहिर है हमारे यहाँ भी देखा जाता है हमारे ड्रामे वहाँ. आमिर खान ने जो पिछले जाहिर है 10-12-15 सालों में एक पूरा एक जानरा अलग कर दिया और जो चीज़ें की उसमें बड़ी स्ट्रांग मैसेज है एक सोसाइटी के लिए, बेहतर नौजवान के लिए. अच्छा उसका टेलीविजन शो सत्या में बचतिया जो मूवीज आई हैं उनकी, एंड आई थिंक उस बंदे ने ये एक लिविंग एग्जाम्पल है, बताया है कि किस तरह से आप नेशन बिल्डिंग, आप यूथ की बिल्डिंग, आप सोसाइटी को मुआशरे को बेहतरी की तरफ लाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं. एंड बॉक्स ऑफिस पे भी वो कामयाब रहा है,
उसकी फिल्मों ने बहुत ज्यादा ग्लैमर वाली फिल्मों से ज्यादा बिजनेस किया है. एंड आई थिंक हमारी मुआशरे में जो मियाँ साहब से मैं पहले बात कर रहा था कि अगर हम सीरियसली हंकी डोरी छोड़ देना चीजें खुद ठीक हो जाएंगी, सख्ती कर दें ठीक हो जाएगी. सख्ती ने तो ऑलरेडी हमारे मुआशरे को जकड़ा हुआ है, हर चीज में सख्ती है. जो आर्ट है, जो ड्रामा है, जो फिल्म है, जो फनून लतीफा है, बुक फेस्टिवल्स हैं, मुशायरे हैं, ये चीजें थी जो लोगों के अंदर एक नरमी लाते थे, लोगों को एंटरटेनमेंट देते थे, उनकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बेहतर थे. तो अगर आपको कहीं से दुख, परेशानी, नाकामी भी मिलती थी तो ये बैलेंस आउट कर देता है कि आप उसे आर्ट की शक्ल में डिफ्यूज कर देते थे. अब वो सारे खत्म हो गए. आप सॉरी मेरी बात लंबी हो गई, जस्ट टू मेक अ पॉइंट कि एग्रीकल्चर एग्जीबिशंस होती थी, इंडस्ट्रियल्स होती थी, फिर उसके बाद बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते थे. बुक फेस्टिवल मुझे याद है कराची में, लाहौर में होते थे. आहिस्ता आहिस्ता वो सब खत्म हो गए. ऑल वी हैव इज कि हमारे बच्चों के पास सेलफोन है, इंटरनेट है, और उसके बाद अनसेंसर्ड, अनकंट्रोल्ड, नो एज रिस्ट्रिक्शन के साथ मटीरियल है उनके पास. एंड उसकी वजह से जाहिर है वो एक वाइल्ड एज होती है, और उस वाइल्ड एज में दे सो वल्नरेबल कि वो फिर सख्ती की तरह, चाहे वो रिलीजियस सख्ती हो, कल्चरल हो, रेसिज्म हो. आज भी तकलीफ होती है कि पाकिस्तान के किसी मॉर्निंग शो में मैं कल परसों देख रहा था, वो काले रंग वाला जो एक एक्टर था उसके अंदर उसका मजाक उड़ा रहे थे. सीरियसली दुनिया बहुत आगे आ चुकी है. अगर आपको जुगत करनी है, अगर आपने उस पर कॉमेडी पैदा करनी है, तो आप उसके रंगत के अलावा भी पैदा कर सकते हैं. अच्छा, जब आप उसके काले रंग पे मुसलसल मजाक उड़ाते हैं, फिर आप मुआशरे में ये कहें कि काली लड़की का रिश्ता नहीं होता या काले लड़के का रिश्ता नहीं होता, लोग रेसिज्म करते हैं कलर बेस पे, तो फिर आप तो बो रहे हैं ना, ये बीच ये कम नहीं कर. लेकिन ये चीज बहुत चेंज हो रही है. आई टेल यू देर आर ग्रुप्स, सो मेनी ग्रुप्स ऑन सोशल मीडिया जो इन चीजों को बहुत ज्यादा कंडेम करते हैं, लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या आपकी जो लड़कियों के बारे में विमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ कोई बोल दे, तो इन इन चीज़ों पे अब देखें, एक एड था फेयर एंड लवली, ठीक है, इट वाज वाइटनिंग क्रीम, नाउ इट्स ग्लो एंड लवली. क्यों? बिकॉज लोगों ने इस पे बात करनी शुरू की कि रंग पे क्यों फोकस हो रहा है, गोरा करने वाला ही क्यों, गोरा ही क्यों खूबसूरत है. Exactly. तो आप ये तो बहुत से लोगों को डिप्रेस कर रहे हैं, उस मतलब कुएं में धकेल रहे हैं जहां वो ऑलरेडी अपने आप को इस माशरे में बहुत ही कमतर समझ रहा है. तो दैट शुडंट बी द केस. और आई एम ग्लैड कि बहुत सी औरतों ने इस तरह के ग्रुप्स बनाए हैं जहां ये चीजें बहुत डिस्कस होती हैं और वो ऐसे इश्यूज पे एक हो जाती हैं और उस पर स्टैंड लेती हैं. And you said it right. I don't know which morning show was that. और अगर उसके comments या कोई response पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उस पे कितनी औरतों ने react किया होगा. Exactly. और आपने ये बड़ा सही कहा कि social media has even played more important role than our organized drama industry और हमारे television channels and all that. क्योंकि इस तरह की जब भी कोई gender bias या color पे या race पे या किसी तरह पे बात होती है तो social media जो है वो fight करता है, कि उस पे जो लोग बैठे हैं वो fight करते हैं. बट जो ऑर्गेनाइज हमारा मीडिया है उसमें अभी भी इस पे को बहुत ज्यादा काम नहीं है. इट्स जस्ट वन पॉइंट के मनी मेकिंग, ग्लैमर, टीआरपी, दैट्स इट. हमने जब पीटीवी ज्वाइन किया था उस वक्त जो फी होती थी दैट वाजंट सफिशिएंट, लेकिन जो काम करके इत्मीनान होता था और जब अपना प्रोडक्ट देखते थे टीवी पे और जब लोगों से ये सुनने को मिलता था कि हमारी टूटती शादी बच गई या हमारे बहन भाइयों में आपस में भाइयों ने रियलाइज कर लिया कि अभी तक 100% तो ये नहीं हुआ, बट आई डू वांट कि हमारे यहाँ एक ये चेंज भी आए कि बेटी की शादी जब हो जाती है तो उसे ये मैसेज ना दिया जाए कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं. वही घर है, वही सब कुछ है, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, ये भी तुम्हारे बाप हैं, ये भी तुम्हारी फैमिली है. सो इफ इट जेन्युइनली डजंट वर्क एंड यू मेक एन एफर्ट एंड यू फेल, वी आर हियर. ये मैसेज बच्चियों, और बहुत बच्चियां कर्बज़दा जिंदगी गुजारती हैं सिर्फ इस एक मैसेज की वजह से. तो दिस वाज मे बी समथिंग आई वांटेड टू से, तो मैंने बीच में ये बात कर दी. मगर बात हो रही थी कि चेंज कौन करे. बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जिनके ड्रामे करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं जी. उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीच में एक ड्रामा बना दें इस तरह का, क्यों नहीं बनाते हैं वो. मतलब ये कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, मगर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं ऐसे
कि अगर उनके दो चार प्रोजेक्ट्स नुकसान में भी चले जाएं तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे हैव रियली मिंटेड मनी आउट ऑफ मेनी प्रोजेक्ट्स. तो उनको स्टैंड लेना चाहिए. और मतलब राइटर्स जो हैं उनको भी कुछ इस तरह की स्टोरीज लिखनी चाहिए जो फैमिली बेस्ड हों, जो इस तरह के आम मसलों पे. अब पर्शियन एक मूवी थी, एक जूते पे फिल्म बनी है, आपने देखी होगी, चिल्ड्रन ऑफ पैराडाइज उसका इंग्लिश में नाम था, बट पर्शियन नाम मुझे नहीं उसका पता. एक बच्चे को एक जूता चाहिए, बस पूरी फिल्म उस पे है. और अगर आप वो फिल्म देखें तो आप हिल नहीं सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस है. वन लाइनर मैं आपको बता रही हूँ ना, बच्चे को जूता चाहिए. Exactly. And they can't afford to buy a pair of shoes. It's unfortunate. जो टॉलरेंस, ह्यूमन राइट्स, सॉफ्ट इमेज सोसाइटी का, मुल्क का, पाकिस्तान एज ए ब्रांड. अच्छा, ये तीन चार ऐसे नुक्ते हैं कि जिसपे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं. और अगर अच्छा बना हो तो पाकिस्तानी ऑडियंस जो है वो इंटेलिजेंट भी है, वो ये देखती है चीजें. अगर फॉर एग्जाम्पल तारे जमीन पे जैसी फिल्म को पाकिस्तान में भी उतने लोग देखते हैं एक ग्लैमरस फिल्म से ज्यादा, तो इसका मतलब ये है कि ऑडियंस समझती है और अप्रिशिएट करती है अच्छे काम को. पर आई थिंक ग्लैमर शायद बहुत इजी है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो इट्स इजी वे टू मेक मनी और गेट टीआरपीज. और इजी है, मतलब सिमिलर स्टोरीज हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लव ट्रायंगल है, सास और बहू का झगड़ा है. तो इन कहानियों से आप कोई भी ड्रामा उठा के देख लें. हाँ, परीजात एक ड्रामा है जो के एक डिफरेंट काम है, ठीक है, जिसमें हम रंगत पे बात कर रहे थे. तो वो एक ड्रामा बना है जिसको मैं भी बहुत शौक से देखती हूँ और मैं मतलब बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. एंड आई फील वेरी प्राउड दैट हमारे पास इतने बड़े एक्टर्स हैं कि जिनको अगर ऐसा काम दिया जाए जिसमें 100 शेड्स भी हों तो वो उसको निभा सकते हैं. मतलब दैट मैन हैज़ गॉन थ्रू सिचुएशंस ऑफ अ पुअर मैन, ऑफ लेबर, ऑफ स्ट्रगलिंग पर्सन, अ वर्कर, अ लवर, हर चीज से वो गुजरा है और उसने प्रूव किया अपने आप को. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड आई मैसेज्ड हिम दैट यू आर द बेस्ट. और ये एग्जैक्टली दिस ड्रामा हैज, मैंने अभी नहीं देखा, आई थिंक एक आधा एपिसोड मुझे मैंने ऑनलाइन कहीं देख ली थी और उसके कुछ क्लिप्स वगैरह, पर आइडिया आपको हो जाता है उसकी डेप्थ का कि ये किस तरह की स्टोरी है इसके पीछे. और दूसरा हीरो अगर आपने ग्लैमर डालना, अब जब एक ऑर्डिनरी मुआशरे के कैरेक्टर को अच्छा दिखा के उसमें ग्लैमर डालते हैं ना, अब देखिए ये जो रोल है परीजात, आपने उसे ग्लैमराइज कर दिया है बाई जस्ट द वे यू हैव पोर्ट्रेड ऑन द स्क्रीन उसके सामने, बड़ी बाय मेकिंग हिम रिच. Exactly. Yeah. और ये मैसेज नौजवानों को भी ये जाता है आपको कि आपकी रंगत, आपकी गुर्बत, आपका बैकग्राउंड या आपका बैगेज नहीं है. और ये आपके लिए एंकर्स नहीं होने चाहिए कि आप वॉक ना कर सकें, आप इससे आगे बढ़ सकते हैं. एंड आई थिंक दिस ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसपे और ज्यादा बात होने की भी जरूरत है, रियलाइजेशन की भी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत. बिल्कुल बिल्कुल, हमें इस पे काम करना चाहिए. हमें, मेरा ये आपके प्रोग्राम के थ्रू मैसेज है उन प्रोडक्शन हाउसेस को जो बहुत ड्रामे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उन डायरेक्टर्स को जो उन ड्रामों पे इतनी मेहनत कर रहे हैं जिनकी कहानियां लोग 10-10 बार देख चुके हैं, उनको प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी स्टोरीज लिखवाएं राइटर्स को. अगर आप एक स्टोरी लाइन देंगे जी. तो जहाँ वो ग्लैमरस ड्रामा लिख रहे हैं वहाँ वो ये ज्यादा लिखेंगे, बिकॉज मिडिल क्लास हमारे यहाँ लोग ज्यादा अच्छी बनाते हैं, ज्यादा अच्छी पोर्ट्रे करते हैं. पीटीवी का जब दौर था, अगर किसी का महल भी दिखाया है तो वो दीवार पे एक सेट लगता था जिसपे वो पेंटिंग होती थी महल की, और दो चार डेकोरेशन पीसेस होते थे. तो इतनी कम फैसिलिटीज के साथ भी अगर उन्होंने ऐसा ऐसा काम प्रोड्यूस किया, तन्हाइयां जैसे ड्रामे, अनकही जैसे ड्रामे, वारिस जैसे ड्रामे, तो अगर वो ड्रामे प्रोड्यूस हो सकते हैं आज भी, अगर वो काम चलेगा, लोग इस ग्लैमर को छोड़ के वो काम देखेंगे. लेकिन हमें फिर उतनी मेहनत करनी होगी स्क्रिप्ट पे, लुक पे, वार्डरोब पे, उन कैरेक्टर्स पे जो उस फैमिली में है. मुझे गुस्सा आता है अगर मेरे साथ कोई यंगस्टर है और वो मेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड शी इज़ वेरी फोकस्ड ऑन हर लुक एंड
यू नो अपने टच अप एंड ऑल दैट मटेरियल साइड ऑफ द आई जस्ट थिंक के आंच जो ड्रामा था उसमें जब मैं अपने घर आई थी तो मेरा बस मुंह धुला हुआ होता था पूरा और जब तक मैं अपने शौहर के बगैर रही हूँ दिस वाज नोबडीज आइडिया दिस वाज माय ओन आइडिया कि यू नो अ वुमन हु इज सो डिप्रेस्ड हु इज लिव्ड अ मैरिड लाइफ एंड शी इज हैड सम इश्यूज विद द पर्सन तो वो अपने माँ बाप के घर आके वो दुख तो लेके आई है ना एक मिडिल क्लास की औरत लड़की जो है वो उसको ये भी फिक्र होगी कि मैं उसके पास वो उन इश्यूज को भी हल करूँ ना भी है तो वो उसको इतने ब्यूटीफुल तरीके से पोर्ट्रे किया गया था लेकिन आजकल जो है मैं समझती हूँ कि फिर अब हर चीज़ कड़ी से कड़ी जुड़ती है ये जब बच्चियाँ इतने ग्लैमर पे फोकस करती हैं तो इनका इंटरेस्ट जो होता है वो सोशल मीडिया पे यू नो दे गेट पीआर्स और ये सब होते हैं तो दैट इज़ आल्सो वन good reason you know that they do it but then again if you, television is a different medium television pe agar aap hain aur agar aap ek drama kar rahe hain to ye director ki bhi responsibility banti hai ki kahe nahi isme makeup ki requirement nahi aap dhoke aaye aur usme jo flip side hai wo ye ki wo to chalo unko material benefit bhi ho gaya contracts bhi mil gaye followers badh gaye ye ho gaya par jo lakhon karodon young ladkiyan aapko idealize kar rahi hain आप बेसिकली पॉइजन कर रही हैं उनके ब्रेन को कि उन्होंने अपनी वो सारी जो रियल वर्ल्ड है जो रियल चीजें छोड़ के ग्लैमर के पीछे भागना शुरू कर देना एजुकेशन पे असर पड़ना उनके कैरेक्टर पे फर्क पड़ना जो एक रियल स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग है हमारी बॉडी के अंदर उसने डैमेज हो जाना उसने दब जाना है उसने दब जाना है मुझे वो याद है सिंगिंग इन द रेन मूवी में क्या था जीन कैली वो बारिश में भीग रहा होता है गंदे से मोहल्ले में और अगर आप उस गाने को देखें तो वो पूरा टाइम या वो जो म्यूजिक का पीस है देखें तो पूरा टाइम उसके हाथ में अम्ब्रेला होता है बड़ा ब्रांडेड और मैं जब वो देख रहा था बहुत पहले तो मुझे याद है कि इसके हाथ में अम्ब्रेला है तो ये अम्ब्रेला क्यों नहीं खोल लेता अपने सर पे ये बारिश हो पर जो क्रिएटिविटी है जो हमारी स्पिरिचुअल जो हमारी मेंटल जिसे एंटरटेन होने की जो हमारी एबिलिटी है वो स्पॉन्टेनिटी में है वो अम्ब्रेला में नहीं है वो एक्चुअली अम्ब्रेला हाथ में होते हुए बारिश में भीगने में है अच्छा आप जब क्रिएटिविटी से ये चीजें पोर्ट्रे करते हैं जिससे लोगों को आप इंस्पायर करते हैं कि गुर्बत में भी खूबसूरती है आप थोड़े पैसों में छोटी गाड़ी में भी एक अपनी खूबसूरती है आप अपना 100 रुपया जो है वो कोई मटीरियल चीज की बजाय अगर उससे एक किताब खरीद के पढ़ लें और जो आप सेल्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं 100 रुपये अपने ऊपर उसकी भी एक ब्यूटी है अच्छा ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आपको यहाँ पर सीरियसली हम वहाँ पाकिस्तान में बैठ के कहते थे वेस्ट कितना मटेरियल है और ये है वो है एंड इट्स राइट मटेरियल है पर यहाँ जो प्रोडक्शंस हम देखते हैं टेलीविजन की या वैसे कभी मौका मिलता है या स्पीकर्स को बुलाते हैं लोग कन्वर्सेशंस होती हैं तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो फ्लिप फ्लॉप में आ गया है वो शॉर्ट्स में आ गया है पर द ब्यूटी एंड द पर्सनैलिटी इज़ कि वो बंदा जब बोलता है और जो कुछ वो कहता है उस पर होती है ना That's what matters. Exactly, that's what matters. तो ये चीजें क्योंकि ड्रामा प्रमोट कर रहा है तो आप लोगों को आप बच्चों को देखें तो वो अच्छा दिखना चाहते हैं फोन अच्छा रखना चाहते हैं बालों का स्टाइल बनाना चाहते हैं बड़ी गाड़ी का ख्वाब देखते हैं वेरी गुड आप अच्छी गाड़ी का ख्वाब देखें पर ये जो कॉम्प्लेक्स है कि छोटा फोन होगा या फोन नहीं होगा या मेरे पास कपड़े बहुत ज्यादा ब्रांडेड नहीं होंगे इससे फर्क पड़ेगा आप उनसे वो कॉन्फिडेंस सारा छीन लेते हैं ये चीजें दिखा दिखा के एंड अनफॉर्चुनेटली फिल्म भी हमारी ऐसे बर्बाद हुई एक जमाने में कि वो जो लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ कास्ट सिस्टम पे और सारी फिल्में उस पर बनाना शुरू कर दी स्लोली ग्रेजुअली वो मोहम्मद अली साहब नदीम साहब और उनकी जो फिल्में शबनम की होती थी वो सारी आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट हो गई हमारी इंडस्ट्री एंड इट इज सैड इट इज सो सैड दैट अ नेशन जो कि 22-23 करोड़ की है उसका मीडिया सीन उसका आर्ट का सीन इतना अनफॉर्चुनेटली अनहेल्दी होता जा रहा है एंड कोई आपको आपको होप लगती है आप जाहिर है बहुत इन है आपको लगता है लोग रियलाइज करते हैं और इट्स जस्ट कम्प्लीटली आजकल तो मुझे नहीं नज़र आता जो काम आसपास हो रहा है जो स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए उसमें तो मुझे नहीं लगता बिकॉज लोग पूरी तरह से इस दौड़ में शामिल हैं और जहाँ तक ये आपने बात की है ना कि लोग कॉम्प्लेक्स्ड हैं तो आई एम अ वेरी प्राउड मदर दैट आई ब्रॉट अप 4 इंडिपेंडेंट वेमेन ऑफ फ्यूचर ठीक है कॉन्फिडेंट वेमेन ऑफ फ्यूचर
और मेरे बच्चों को ये इजाज़त नहीं थी ये कहने की मैं ये नहीं खाती मैं वो नहीं खाती. यू हैव टू ईट एवरीथिंग और एटलीस्ट ट्राई. दूसरा ये कि मेरी बेटी ने मुझसे एक दफ़ा कहा था कि मामा ये कपड़े तो मैंने वहाँ पहने थे, तो she had to listen to me for good 10-15 minutes on that and she never said that again. And I'm an example, you know. Wardrobe hai, disposable kapde to nahi hai, koi gown to nahi jo aapne pehna aur phenk diya, wo aap pehnenge. They like reading. Aur sabse badi baat, when my daughters turned 6 or 7, you know, when they developed a habit of reading, ek beti to meri kitabi keeda hai. वो मुझसे जब भी कुछ डिमांड करती है वो कहती है मामा मुझे बुक्स दिला दे. दिस मेक्स मी फील सो प्राउड बिकॉज मुझे इतना शौक था पढ़ने का. और तब से मैं फिर शूट्स फुल टाइम होते थे एंड वो एक तभी ख्वाहिश मेरे अंदर है. एंड आई वॉन्टेड टू मेक अ स्मॉल लाइब्रेरी एट होम जहाँ पूरी फैमिली बैठ के 2 घंटे 3 घंटे हम रीडिंग करें, उसके बाद डिनर पर डिस्कस करें कि तुम्हारी बुक में क्या था, तुमने क्या पढ़ा. तो ये चीज मेरे अंदर एक रह गई एंड यू नो इट्स नेवर टू लेट टू डू एनीथिंग. तो कहने का मकसद ये था कि घर से बच्चे मेरे जब 7 साल के हुए तो पहली किताब जो मैंने उन्हें दी वो इंग्लिश ट्रांसलेटेड कुरान था. बिकॉज देयर इज नथिंग व्हिच इज नॉट देयर इन दैट बुक एंड पीपल यू नो टेक इट as something very difficult or understandable and something very complicated. It's not. It's very simple. In fact, I tell you, जब मैं बड़ी हुई थी तो मुझे बचपन से ये सिखाया गया था हाय यहाँ क्यों रखी हुई किताब, अलमारी के ऊपर रखो. फिर जब मैंने कुरान क्लास में जाना शुरू किया तो आई रियलाइज कि नहीं, ऊपर रखेंगे तो पहुंच में ही नहीं होगी, हमें तो इसे 10 बार पढ़ना है दिन में और ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ना है ना ताकि समझ आए. तो फिर मैंने वो अप्लाई किया अपने बच्चों के साथ एंड अब मेरे बच्चे किसी भी चीज पे ह्यूमैनिटी की हो रिलीजन की हो अल्हम्दुलिल्लाह दे कैन डिस्कस और उनका नॉलेज इतना अच्छा है कि आई फील वेरी प्राउड. और माओ को यही करना चाहिए जो सिलसिले चलते आ रहे हैं उनको एक दफा टटोल के देखें तो सही, वो सही हैं भी कि नहीं, और अगर नहीं है सही तो उन्हें पीछे ही छोड़ दें, आगे एक नई रीत बनाएं जो आपको समझ में आए, जो आपके बच्चों को समझ में आए और विच शुड बी एप्लीकेबल. सही. और परवरिश में आपने चूंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल जाहिर है अपनी में, परवरिश में जो जहन साजी है अगर आपने वो नहीं की तो बेसिकली खाना खिला देना बच्चे को और उसे बड़ा कर देना या उसे जो हम एक जाहिर है प्रोग्राम में एग्जैक्टली उससे आप मुआशरे में जो कुछ इजाफा तो उस बेहतरी का नहीं कर रहे. और ये जहन साजी जो है वो आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप खुद रियलाइज करते हैं कि हमने इस बच्चे को किस तरफ लेके जाना है और मुआशरे में किस तरह के एक फर्द का इजाफा करना है. और आप मियाँ साहब से बात हो रही थी, इकबाल शनासी की बात करें, गालिब शनासी की बात करें, नेशनल नैरेटिव की बात करें, दुनिया में और ये कोई हिडन बात नहीं है, सबसे ज्यादा अमेरिका इन्वेस्ट करता है अपने नेशनल नैरेटिव को अपने मीडिया के जरिए प्रमोट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए. किस तरह से एक अमेरिकन हीरो होता है फिल्म में, किस तरह अमेरिकन फ्लैग जो है वो जहां भी जाता है वहां पीस हो जाता है, जो फिल्में उनकी पोर्ट्रे करती हैं. और ये चीजें एग्जैक्टली इंडिया करता है. और अभी जो हमारे यहाँ जो ड्रामा चल रहा है अर्थरुल गाजी, आप 10 उसके बारे में बातें कर सकते हैं अगर आप उस पर क्रिटिक करना चाहें बैठ के, पर बात यह है कि दुनिया की कोई चीज परफेक्ट नहीं है, आप उस पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर उस ड्रामे का जो ग्रिप है और जो जो चीजें हिस्ट्री की दिखाई हैं, हम जब स्कूल में पढ़ते थे हमें ऑटोमन एम्पायर का रटा वटा लगा के पास हो जाते थे, पर समझ आती नहीं थी कभी. जब आप हिस्ट्री को स्टोरी की शक्ल में बताते हैं दिखाते हैं तो आप कभी भूलते नहीं है. Exactly, तो कभी आप भूलते नहीं है. और जिस क्लास की वो चीज उन्होंने बनाई है, उस जमाने के इरा को समझना इतना आसान हो गया. हम उनसे पॉपुलेशन में भी बड़े हैं, जाहिर है लोग भी पढ़े लिखे हैं, हिस्ट्री भी जानते हैं, सारा कुछ है. पर उस ड्रामे ने आई थिंक थोड़ा सा रियलाइजेशन पैदा किया है कि किस तरह से आप एक हिस्ट्री, एक नैरेटिव बिल्डिंग, एक नेशन बिल्डिंग, एक प्राइड अपनी नेशन को दे सकते हैं आप. ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी सबको एडवाइस किया कि जरूर देखें, इस तरह के ड्रामे बनाएं. और इस बात को भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन पीरियड बेस्ड ड्रामे जो है ना वो
लोग शायद इसलिए भी डर जाते हैं कि वो काफी कॉस्ट फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है उसमें, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई होती है, देन कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल. एंड वही मैंने कहा है ना कि अब सबको आसानी की आदत होगी कि अगर एक आसान काम से हमें उतने ही पैसे मिल रहे हैं, एक लव स्टोरी से और ये लड़ाई झगड़े से, तो हम इतनी एफर्ट क्यों करें, इतना पैसा क्यों बनाएं. वो ये नहीं रियलाइज करते कि ये एक एसेट होगा लोगों के लिए, उनके अपने लिए. बट या वी शुड कम फॉरवर्ड एंड इस पे काम की बहुत जरूरत है. थोड़ा सा कंक्लूड ही करते हैं ऑलमोस्ट आपसे एक आध बात, और यहाँ एक कैंपेन है, और जैसा मैंने आपसे जब हम ऑफ द एयर भी बात कर रहे थे तो ये डिस्कशन है बेसिकली, लेस ऑफ इंटरव्यू इज मोर ऑफ अ डिस्कशन, और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे. एक कैंपेन है इस वक्त दुनिया में, खास तौर पर डेवलप्ड वर्ल्ड में, जो एनवायरमेंट के साथ साथ, वो है मिनिमलिज्म की. मिनिमलिज्म का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि हम चूंकि मटेरियल चीजें इतनी आसानी से अवेलेबल हैं, उनको खरीदना, उनको लेना, उनको ऑनलाइन ऑफलाइन बनाना सस्ती हैं कंपटीशन की वजह से, आप अपने घर कमरे बेडरूम भर लें, वॉशरूम भर लें चीजों से, खरीदते चले जाएं. मिनिमलिज्म ये है कि जितनी मिनिमम मटेरियल चीजें आप खरीद सकते हैं अपनी जिंदगी में उतनी रखें. आपके बेडरूम में आपका बेड साइड टेबल लैंप और मुख्तसर दो चार चीजें होनी चाहिए, और आपके किचन में सिर्फ उतने बर्तन होने चाहिए जितने आपके घर के अफराद हैं. अगर कभी आपके कोई ज्यादा लोग आते हैं तो आप डिस्पोजेबल प्लेटें यूज करें. अच्छा, ये पूरी एक कैंपेन है, मैं लेटली उसमें थोड़ा हिस्सा उसका बना. वो ये कहते हैं कि आपका जो इनकम है, जो आपके पास पैसा आया है, उसका जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है, वो पहला तो ये टू मेक योर लिविंग, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, और जो सेकेंड बेस्ट उसकी इन्वेस्टमेंट है वो है खुद पे, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, कि जो एक्सपीरियंसेस हैं जिंदगी के, एक बच्चे को ये उसकी जहन साजी करें कि उससे एक सेलफोन देने से जो खुशी मिलती है वो उससे ज्यादा मिल सकती है कि अगर उसे मैं मलेशिया का ट्रिप करा दूं, मैक्सिको ले जाऊं, या मैं पाकिस्तान के अंदर या जिस भी मुल्क में आप रहते हैं, कि उससे मैं एक्सपीरियंस बेस्ड पैसा लगा दूं, कि जो उसकी जिंदगी भर की यादें बन जाए. फोन ने कल खत्म हो जाना है, टूट जाना है, नया आ जाना है, आपको याद नहीं रहना, पर आप अपने बच्चे को अगर हिस्ट्री दिखा दो, टर्की ले जाएं, आप यूके ले जाएं, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं विद इन द कंट्री, विद इन द सिटी. तो एक्सपीरियंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, जिसमें बुक्स वर्सेस सेल फोन्स एंड यू नो ये मटेरियल, व्हाटएवर प्लीजेस यू. या अच्छा, इसको फिर वो अब क्या कर रहे हैं कि इसको वो प्रमोट कर रहे हैं थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ मीडिया प्रोडक्शंस, के वो टेलीविजन करे ना करे, लेकिन सोशल मीडिया पे दो दो मिनट, चार चार मिनट के छोटे छोटे पीसेस बना के जिसमें एक्ट करते हैं, रोल होता है या कुछ ऐसा होता है, एंड दे आर सो पावरफुल, दे सीरियसली सो पावरफुल, कि आप अगर वो दो तीन देख जाते हैं तो आप उस कैंपेन का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं कि दिस इज सो राइट, जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत रॉन्ग है. वो ये उस मुआशरे में हो रहा है जो कि टोटली, जिसको हमने ठप्पा लगाया हुआ है कि मगरब में मटीरियलिज्म है और कोई किसी को होश नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, और सब मटीरियलिज्म एंड ऑल दैट, पर ऐसा नहीं है. Unfortunately, our society now, back home Pakistan, wo society complete, they're addicted to materialism. True, I agree with you. इसकी एक आपने ये बात कही है ना, तो मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आया. हमारे एक फ्रेंड है, उनका कारपेट का बिजनेस है, और वो अफ्रीका जाके एग्जीबिशंस वगैरह करते थे. तो एक दफा उन्होंने कहा इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, तो उन्होंने डेकोरेशन पीसेस भी छोटे छोटे और वो एंटीक्स और इस तरह के उन्होंने रखे. ही सेड एक कपल आया हु वर इन देयर मिड 50s और मे बी 60, तो उन्हें एक डेकोरेशन पीस बहुत पसंद आया, और वो फिर कोने में चले गए, दोनों ने एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दी. ही सेड आई वाज ओनली ऑब्जर्विंग, मे बी दे कांट अफोर्ड इट, मैंने गिफ्ट कर दूं, क्या करूं. उसके कोई आधे घंटे के बाद वो आए, उन्होंने कहा वी आर वेरी सॉरी बट यू नो देयर इज नो प्लेस इन आवर हाउस फॉर दिस डेकोरेशन पीस. तो वो जो बात आपने कही है मिनिमलिज्म की, दैट्स रियली नाइस. इनफैक्ट मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज व्हेनेवर आई एम डिप्रेस्ड आई गो शॉप. तो मुझे, मैं वो चीजें, नेक्स्ट मेरा यही टारगेट है कि आई डीक्लटर. Yeah. And you know, get rid of a lot of stuff and be light. Exactly. And the moment you start decluttering your bedroom, living room, ghar, आप देखेंगे कि mentally आप declutter होना शुरू हो जाते हैं, कि आपका peace जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. वो recently I was in a conference, तो उसमें वो mental health पे conference थी, तो एक छोटे से jar के अंदर उन्होंने जो है पानी डाला, और दो jar थे, एक के अंदर
पानी डाला और उसमें थोड़ी सी सैंड डाली, थोड़ा सा पाउडर डाला, थोड़ा सा कलर डाला और उसे रख दिया। और जो दूसरा था उसमें भी सारी चीजें डाली, लेकिन उसमें हर थोड़ी देर के बाद जो है ना उसमें वो कभी कुछ जूस के ड्रॉप गिरा दें, कभी उसके अंदर कोई छोटा सा स्टोन डाल दें, कभी उसके अंदर चम्मच पकड़ के उसको हिला दें। अच्छा, वो 10-15 मिनट की एक्सरसाइज के बाद वो दोनों जार्स उन्होंने दिखाए कि ये दोनों ह्यूमन ब्रेन है और ये दोनों में सेम ही चीजें हैं, लेकिन एक में ये है कि वो चीजें डाल दी थी और उसके बाद फर्दर उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, वो पानी ऊपर आ गया, सैंड नीचे बैठ गई, बहुत क्लैरिटी और बहुत पीस था उसके अंदर। और इसमें जो है वो खिचड़ी पकी हुई है, वो सारी चीजें घूम रही हैं, ऊपर नीचे जा रही हैं, वेव्स बन रही हैं, बबल्स बन रहे हैं, वेरी डिस्टर्ब्ड लिक्विड है अंदर उसके साइड पे। द स्पीकर सेड के, और ये बड़ी खूबसूरत एक तरह से उन्होंने वो एक्सप्लेन करने का तरीका था कि उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन ब्रेन है, आप सुबह जब उठते हैं तो आप सेल फोन पे जाते हैं, आप थोड़े ये मैसेज चेक किया, आपने सोशल मीडिया किया, आपने न्यूज देखी, उसके बाद आप खाना खाने लगे, फिर आपने चेक कर लिया, तो एवरी टाइम जब वो न्यू स्टोन उस पानी के अंदर जाता था उसको गदला कर देता था। वो ये कहता है बिकॉज दिस इज व्हाट यू डू टू योर ब्रेन ऑल डे अंटिल यू स्लीप। वो पीस मिलता नहीं है आपको, सुकून स्पिरिचुअल इमोशनल मिलता नहीं है बिकॉज यू कंटिन्यूसली अपने ब्रेन के साथ आप टॉर्चर कर रहे हैं, जिसकी जिन चीजों की आपको जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया के आप 3 times चेक कर सकते हैं दिन में, अपने ईमेल 3 times कर सकते हैं, और फिर वो चीजें जो है वो इमोशनली आपको इफेक्ट करती हैं, इधर फीलिंग ऑफ जेलसी आएंगी, ह्यूमन वी आर मेड ऑफ इमोशंस, जेलसी आएगी, फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन आएगा, फीलिंग ऑफ डिप्रिवेशन आएगी, फीलिंग ऑफ यू नो लेफ्ट बिहाइंड आएगा, और वो सारी फीलिंग्स आपके ब्रेन को जो है वो गदला करती चली जा रही है। एंड दिस दीज थिंग्स दीज रिसर्चेस एंड दिस 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 वे ऑफ एजुकेशन, इससे मुआशरे के अंदर जाहिर है कि एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आता है और लोग चेंज होना शुरू हो जाते हैं, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आज का सब्जेक्ट भी यही है कि पाकिस्तान में मीडिया, टेलीविजन, फिल्म, और हम किस तरह से इन चीजों को बेटर कर सकते हैं। आप प्लीज कुछ और ऐड करें इसमें। नहीं, बात तो बहुत अच्छी है, इस तरह की वर्कशॉप्स यहाँ भी होनी चाहिए, एंड आई लाइक द आइडिया। और इससे पहले जो आपने कहा था मिनिमल होने के फायदे एंड ऑल, सो दैट इज आल्सो, इन फैक्ट यू नो इट्स अ काइंड ऑफ एस्केप फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, collecting stuff and shopping and all that, and I know a lot of people from my line that do that, and mera to khair bahut ab kam ho gaya, but I need to get rid of a lot what I already have, right. And baaki jahan tak psychological issues ki baat hai, uske aur bhi bahut se tareeke hain, like aapka brain to daily in cheezon se guzrega, if not phone then maybe your relationship, maybe you know some bad news from somewhere, some good news, so wo ek khichdi to pakegi dimag mein sone tak, chahe phone ho ya na ho, but uske aur bhi tareeke hain, you need to you know be with yourself for some time and breathe and meditate, so I believe in that ki when you breathe deep and inhale new fresh air and exhale all your anxiety and pressure and depression, so that works for me because breathing right is the key, warna brain zindagi mein kitne stress hote hain, log bardasht karte hain, jhel jate hain, tolerate kar jate hain, so lagta hai ki jaise nahi hoga zindagi mein, jin logon se aap bichhadte hain वो भी इतने बड़े सदमे होते हैं, आई एम श्योर वो तो जो जार आपने बताया उससे वो तो कुछ भी नहीं होगा उन सदमों के सामने, बट ये है कि अपने साथ जो पहचान है ना उसको मजबूत करना चाहिए। हम हर रिश्ता निभाने में लगे रहते हैं लेकिन हमें हमारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त भी हम अपने साथ ही गुजारते हैं, तो दैट इज व्हाट वी नीड टू बी विद अस सोली एंड टू लव आवरसेल्व्स, यू नो वो प्यार अपने आप को दें, वो अटेंशन अपने आप को दें, एंड ब्रीद राइट, सो ब्रीद इन हेल्थ स्ट्रेंथ एनर्जी एंड ब्रीद आउट पेन्स एक्स स्ट्रेस एंड टेंशन।
I'm so glad कि आप कनेक्शन बड़ा सही रहा है एंड वी एट लीस्ट हैड अ गुड कन्वर्सेशन मेरे साथ बुरहान खान साहब भी हैं जो बीके लाइव करते हैं खान साहब आप सब वेलकम शामिल हो जाइए मैं शगुफ्ता जी आई वाज सो मजा आ रहा है बड़ा माशाल्लाह मगर एक बात मैंने जब कनेक्शन खराब जा रहा था आप शायद एक तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हम आपस में तीनों बहन भाई बैठे और बस मूंगफलियों की कमी रह गई कि मूंगफलियां वो हम खाते और वो एक दूसरे तो और आपका तो मैं माशाल्लाह आई एम फॉलोइंग यू ऑन सोशल मीडिया तो कभी okay. पाकिस्तान में शान तो आपसे मिल चुके हैं पहले अगर बहुत पहले खास तौर पे वो जो आपने चूल्हा बनाया हुआ है पीछे बैग आपने हमारे छत पे मैंने बनाया हुआ है छत पे मैंने पूरा गांव बनाया हुआ है अपना वो हमारे दोस्त हैं तारिक आजम साहब और अंजुम कुरैशी वो आपके घर जाते रहते हैं और बड़े मजे मजे के किस्से सुनाते हैं कि जी आप बड़ा अच्छा साग बनाती हैं तो इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे जो मैं बात कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ शान आप भी गौर करें और शगुफ्ता बहन आप भी गौर करें कि जब से आपने ये कनेक्शन आया है ना आपके पीछे कलमाए तैयबा लिखा हुआ है आपके सर पर जी जी कनेक्शन मैं फ्रंट रूम से लाउंज में आ गई हूँ तो मैं घर में रहना फिगरेटिव वगैरह नहीं लगाती तो मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं इस तरह के फ्रेंड्स बड़ा बहुत मजा आया शान आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की आपका बहुत yes. शुक्रिया आखिर में आप दोनों जो भी मैसेज देना चाहें बीके लाइव के ऑडियंस को माशाल्लाह वी आर हैविंग वंडरफुल कन्वर्सेशन मगर हमें ये भी ख्याल है शान भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि 2 बज गए रात के 2:30 बज गए सोने दे अब सुबह को आपकी नमाज अदा करते जी शान चलें जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो इट वाज अ प्लेजर एंड यू आर अ वेरी गुड होस्ट यू नो योर क्वेश्चंस आर डिफरेंट Your way of dealing with a guest is different, and your ideas are pretty good. Thank and you. You're into a lot of good stuff, so it's all good, 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 good. No. Genuinely, thank you so much for taking time. और इस वक्त सुबह के वही जैसे भी बात की बहुत late है और इतनी late जाग के आप और फिर आपने give up नहीं किया 2-3 बार हमें trouble आई है and you. You kept trying, और हमारी ये बात हो गई और ये बड़ी ब्लेसिंग है दूसरा जो हमने आज बातचीत की है ना ये बहुत डिफरेंट है और हमारी सोसाइटी को हमारे मुआशरे को हमारे लोगों को जरूरत है मोर स्पिरिचुअलिटी की मोर इमोशनल हेल्थ की एंड लेस मटीरियल वो कहते हैं पहले जैसे मैं कह रहे थे कि एब्सेंस ऑफ आर्ट जो है उससे टॉलरेंस नहीं कम होती है उससे वायलेंस बढ़ता है स्ट्रीट वायलेंस या घर का उससे मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं सो आर्ट इन एनी फॉर्म चाहे वो आपकी छत पे चूल्हा और साग है दैट इज इट्स सो सीरीन आई टेल यू कि वहां जाके बस दिल चाहता है कि वहीं रहें वो हेरिटेज है एंड हेरिटेज इज पार्ट ऑफ our fabric तो ये सारी चीजें जो है ये प्रमोट करने की इन पे बात करने की बहुत जरूरत है बहुत ज्यादा एंड आई विल बी मोर कॉन्शियस अबाउट इट एंड यू नो आई विल टॉक टू मोर पीपल मोर ऑफन नाउ एंड आई फील दैट यू नो कि है तो ये बहुत ही मुश्किल काम क्योंकि जिस तरह से ये है बट वी विल कीप ट्राइंग नो वी लुक फॉरवर्ड टू मेबी हैव मोर डिस्कशंस सीरियसली लाइक दिस इंशाल्लाह वी विल सून Thank you so much. Thank you so much. We had this conversation after 20 years. मैं आपको सुबह बता रहा था कि आज से 20 साल पहले आपकी बेटी की बर्थडे में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी. Yeah, you told me. And it is so nice to reconnect and discuss all this good stuff. Thank you so much. Feelings are mutual. Thank you very much. Okay. Thank you very much, guys. बहुत शुक्रिया. Good night आपके लिए. Good night. Yeah. And good morning for you. Thank you, Shaan, for conducting a wonderful session. मैंने जैसे किया था कि शान बड़ी खूबसूरत आवाज और कनाडा में ऐसा पाकिस्तानी और उर्दू बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाला कोई घर नहीं है जहाँ और अदब से इतनी मोहब्बत करने वाला और मोहब्बत और बहुत दिल से बहुत ही यानी कि अच्छा शान से अगर गुजरा सी इमोशनल बात करें तो ये रोने भी लग जाता है ये छोटा भाई है ना ये बड़ा सॉफ्ट हार्टेड है तो ये बहुत प्यार करता है जज़ाक अल्लाह थैंक यू वेरी मच गुप्ता जी ओके थैंक यू फॉर डूइंग दिस ओके थैंक यू गुड नाइट अब नहीं रोना शुरू करना ओके जी अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ गुड नाइट अल्लाह